हेलो एंड वेलकम टू आर्ट विद प्रद्युत यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ प्रद्युत। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी। तो गाइस, आर्ट में जो बिगिनर्स है, जो आर्ट के बारे में कुछ जानना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, उन सभी के लिए आज से इस चैनल पर रोजाना एक वीडियो अपलोड होगा। हाँ गाइस, रोजाना एक वीडियो अपलोड होगा इस चैनल पर, और इन वीडियोस में एकदम इजी वे में स्केचिंग, कलरिंग, शेडिंग स्टेप बाय स्टेप आप सभी को देखने को मिलेगा। इन वीडियोस में मैं आप सभी को बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा आर्ट के बारे में, जिनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगा आर्ट में। तो आप भी अगर आर्ट में बिगनर है तो इस सीरीज के साथ बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा आर्ट के बारे में। और मेरे जो पहले वाले वीडियोज़ हैं, जिनमें थोड़ा फन पार्ट के साथ आपको कुछ सीखने को भी मिलता है, उस तरह के वीडियोज़ भी मैं हर हफ्ते अपलोड करूँगा। और आज इस वीडियो पे मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि वाटर कलर के लिए क्या क्या चाहिए, कौन सा पेपर सही होता है वाटर कलर के लिए, कौन से ब्रशेस और कलर्स चाहिए, आप सभी को आज दिखाऊंगा मैं इस वीडियो पे। अगर आपके मन में आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, या आप इस वीडियो के बारे में कुछ भी बोलना चाहते हो, तो नीचे कमेंट करके आप बोल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो या सीरीज़ पसंद आए तो एक लाइक और शेयर तो बनता है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब बेल आइकन उसको ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरे और आर्ट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, वाटर कलर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेपर। अगर आपने अच्छे पेपर यूज़ नहीं किया तो पानी पड़ते ही पेपर फूल जाएगा और छाले उठने शुरू हो जाएंगे। तो अब सवाल आता है कि आपको कौन सा पेपर यूज़ करना है। आपको लेना है आर्टिस्ट स्केचबुक। ये स्केचबुक्स कार्टिज पेपर से बनाया जाता है, जिनमें वाटर कलर बहुत अच्छे से होता है। मिनिमम आपको 230 GSM का पेपर लेना है। नेक्स्ट ब्रशेस। गाइस, ब्रशेस बहुत तरह के होते हैं, लेकिन शुरुआत के लिए आप सिंथेटिक हेयर ब्रशेस भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। शुरुआत के लिए आपको 10 नंबर का एक फ्लैट ब्रश और 12, 6 और 1 नंबर के राउंड ब्रशेस चाहिए। नेक्स्ट कलर्स। गाइस, बिगिनर्स के लिए कैमल आर्टिस्ट वाटर कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। कलर करते करते अगर आपका कोई कलर ख़त्म हो जाए तो आपको पूरा पैकेट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे सिंगल ट्यूब भी खरीद सकते हो। और एक कलर मिनिमम 60 रुपीज़ में आ जाएगा। नेक्स्ट, वाटर कलर पैलेट। गाइस, अगर आप ऐसा एक बड़ा सा पैलेट लोगे तो आपको कलर मिक्स करने में आसानी होगी। और एक ज़रूरी चीज़, पानी। तो गाइस, आपको पानी के 2 ग्लासेस लेने हैं। बहुत वक्त ब्रश अच्छे से साफ नहीं होता और पेंटिंग में भी दूसरा कलर लग जाता है, इसलिए आपको 2 कंटेनर यूज़ करना है। और आखिर में टिश्यू पेपर, कलर और पानी पोंछने के लिए। तो गाइस, कार्टिज वाटर कलर पेपर, सिंथेटिक हेयर ब्रशेस, टिश्यू पेपर और 2 कंटेनर पानी के आर्टिस्ट वाटर कलर, और एक बड़ा पैलेट चाहिए आपको वाटर कलर स्टार्ट करने के लिए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आर्ट करते रहिए।